बच्चों तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के गणित विषय के अध्याय 4 जो कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं हैं, इसकी प्रश्नावली 4.5 करेंगे। तो बच्चों प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, चतुर्भुज PQRS का एक रफ चित्र खींचिए, इसके विकर्ण खींचिए, इसके नाम लिखिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है? तो बच्चों इस प्रश्न को करने से पहले हम चतुर्भुज के बारे में कुछ सीख लेते हैं कि चतुर्भुज कैसे बनाते हैं, क्या होता है, इसके विभिन्न भागों के बारे में समझ लेते हैं कि क्या-क्या इसमें होता है। तो चार भुजाओं वाले बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। तो पहले यहां पर एक हम चतुर्भुज बना लेते हैं। चार भुजाएं इसकी ले लेते हैं, चारों भुजाओं को अगर हम मिला दें तो ये एक चतुर्भुज बन जाता है। बच्चों ये जो हम कोने देख पा रहे हैं, ये चार कोने हम देख पा रहे हैं, इन कोनों को हम शीर्ष कहते हैं और इन शीर्षों का हम नाम रखते हैं और इन नामों को हम इस तरह से रखते हैं कि ये एक क्रम से होने चाहिए। जैसे कि यहां से हमने शुरुआत की तो इसका नाम हमने ए रख दिया, फिर हम घड़ी की सुई की दिशा में चलें या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलें तो हमने इस क्रम में इनके नाम को रखना है। तो हम घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में इसके नाम रख देते हैं, ए बी सी डी। लेकिन हमने एक क्रम के अनुसार इनके नाम को रखना है, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों ये जो चार कोने हैं इनको हम शीर्ष कहते हैं और इन शीर्ष का नाम हमने रख दिया ए बी सी डी। अब बच्चों यहाँ इस चतुर्भुज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चार रेखाखंड हैं और ये चारों रेखाखंडों को हमने मिलाया हुआ है और इन रेखाखंडों को ही चतुर्भुज की भुजा कहते हैं। ये रेखाखंड ए डी, रेखाखंड डी सी, रेखाखंड सी बी और रेखाखंड बी ए हैं। तो इसकी चार भुजाएं हैं, भुजा ए डी, भुजा डी सी, भुजा सी बी और भुजा ए बी। बच्चों अगर हम शीर्ष ए की बात करें तो शीर्ष ए के लिए दो रेखाखंड ए डी और ए बी, इन दोनों रेखाखंडों का प्रारंभिक बिंदु समान है, ए है, और ये दोनों भुजाएं, भुजाएं ए डी और भुजाएं ए बी बिंदु ए पर मिल रही हैं, तो इस ए बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम भुजाएं देख पा रहे हैं कि भुजा ए डी और भुजा बी सी एक दूसरे के आमने सामने हैं। भुजा ए बी और भुजा डी सी को देखें, ये दोनों भुजा एक दूसरे के आमने सामने हैं। और बच्चों और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोण की बात करें तो एक कोण कोण ए होगा, कोण सी होगा, कोण डी होगा और कोण बी होगा। तो दो कोण ऐसे हैं जो आमने सामने हैं, कोण ए कोण सी, और इस तरह से दूसरा एक युग्म और है कोण बी कोण डी का, ये आमने सामने हैं। अब यहाँ पर हम इन भुजाओं को कुछ नाम दे देते हैं, आमने सामने की भुजाओं के युग्म को कुछ नाम दे देते हैं और बराबर वाली भुजाओं को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हमने ये भुजा आमने सामने की भुजा देखी, भुजा ए डी, भुजा बी सी, लेकिन अगर हम दो बराबर वाली भुजाएं देखें, भुजा ए डी और भुजा ए बी, इन दोनों भुजाओं का एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु है और ऐसी जो बराबर वाली भुजाएं उनको हम आसन्न भुजाएं कहते हैं। तो बच्चों आसन्न भुजाएं क्या क्या होती हैं ये हमने ध्यान रखना है। जैसे इस चित्र में, इस आकृति में आसन्न भुजाएं ए डी और ए बी हैं, बी सी और ए बी हैं, डी सी और ए डी हैं। अब हमने बच्चों शीर्ष, ये जो कोने हैं ये सारे शीर्ष हैं, तो यहाँ पर आमने सामने के शीर्ष हम देख पा रहे हैं, शीर्ष ए और शीर्ष सी ये आमने सामने के, शीर्ष बी और शीर्ष डी ये आमने सामने के शीर्ष है, लेकिन शीर्ष ए और शीर्ष बी ये एक ही भुजा के अंत बिंदु है और ऐसे शीर्षों को हम आसन्न शीर्ष कहते हैं। तो इस आकृति में जो आसन्न शीर्ष हैं, शीर्ष ए शीर्ष बी है और दूसरे आसन्न शीर्ष भुजा बी सी के लिए शीर्ष बी शीर्ष सी, भुजा सी डी के लिए शीर्ष सी शीर्ष डी, भुजा ए डी से शीर्ष डी शीर्ष ए, तो ये आसन्न शीर्ष हुए। अब बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शीर्ष ए और शीर्ष सी आसन्न शीर्ष नहीं है, इसी तरह से शीर्ष बी और शीर्ष डी आसन्न शीर्ष नहीं है। तो अगर हम ये शीर्ष ए को शीर्ष सी से, जो कि आसन्न शीर्ष नहीं है, इनको मिला के एक रेखाखंड बनाए तो इस रेखाखंड ए सी को विकर्ण कहते हैं। इसी तरह से दूसरे
शीर्ष, जो कि आसन शीर्ष नहीं है, शीर्ष बी और शीर्ष डी को आपस में मिलाए तो ये दूसरा विकर्ण कहलाता है विकर्ण बी डी। तो यहाँ पर विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी ये हम इस आकृति में देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इस बिंदु को हम कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। अभी जो हम बात कर रहे थे कि आमने सामने की भुजाएं, ये भुजाएं बीसी और एडी हैं, इनको हम सम्मुख भुजाएं कहते हैं। तो ये एक युग्म हुआ सम्मुख भुजाओं का बीसी और एडी, ऐसा ही सम्मुख भुजा का दूसरा युग्म एबी और डीसी हो सकता है। तो रेखाखंड एबी और रेखाखंड डीसी ये दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाएं होंगी, इसी तरह से रेखाखंड बीसी और रेखाखंड एडी ये दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाएं होंगी। अभी हम कोण की बात कर रहे थे, आमने सामने के कोण, कोण ए कोण सी, एक ऐसा युग्म यहाँ पर बन रहा है, इस दूसरा युग्म यहाँ पर कोण बी कोण डी से बन रहा है, तो ऐसे युग्म को हम सम्मुख कोणों का युग्म कहते हैं। तो सम्मुख कोणों का युग्म एक कोण ए कोण सी हुआ और दूसरा युग्म कोण बी कोण डी हुआ। अब हमने आसन भुजाएं भी समझी थी कि आसन भुजाएं यहाँ पर क्या है, जैसे आसन भुजा भुजा बी सी, इस आसन भुजा से भी कोण बी कोण सी बन रहे हैं, तो और इस युग्म को यानी कोण बी कोण सी, इस युग्म को हम आसन कोण का युग्म कह सकते हैं। तो इस तरह से अन्य आसन कोणों के युग्म भी बन सकते हैं। भुजा सी डी के लिए कोण सी कोण डी ये आसन कोण का युग्म है, भुजा ए डी के लिए कोण ए कोण डी आसन कोणों का युग्म है, भुजा ए बी के लिए कोण ए कोण बी आसन कोणों का युग्म है। तो बच्चों चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एक रफ चित्र खींचिए। पी क्यू आर एस का इसी तरीके से एक रफ चित्र खींच लेते हैं। तो यहाँ पर चार भुजा हम लेंगे, चार भुजाओं को अगर हम मिलाएंगे तो ये एक रफ चित्र बन जाता है। अब हम नामांकित कर देते हैं इस चतुर्भुज का, तो एक क्रम के अनुसार पी क्यू आर एस बिंदु को रखेंगे, बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R और बिंदु S। आगे कहा गया है इसके विकर्ण खींचिए। बच्चों हम जानते हैं, अभी हमने यहाँ पर अध्ययन किया कि विकर्ण क्या होते हैं। बच्चों विकर्ण खींचने के लिए हमने ऐसे शीर्ष लेने होंगे जो कि आसन्न नहीं है, तो ऐसे शीर्ष यहाँ पर P और R हैं। सो P से R को अगर मिला के हम एक रेखाखंड बना लें तो ये पी आर विकर्ण होगा। इसी तरह से Q और S आसन शीर्ष नहीं है, S और Q को अगर हम मिला दें ये रेखाखंड विकर्ण कहलाता है, एस क्यू विकर्ण होगा, यानी विकर्ण एस क्यू और विकर्ण पी आर ये दोनों विकर्ण होंगे। तो ये विकर्ण हमने इनका नाम हम लिख देते हैं, एक पी आर होगा और दूसरा विकर्ण रेखाखंड एस क्यू होगा, ये विकर्ण होंगे। इनके नाम लिख लिए, तो ये हमने इनके नाम लिख दिए विकर्णों के नाम, क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इस आकृति में एस क्यू और पी आर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर मिल रहे हैं, या इन दोनों को ये दोनों विकर्ण बिंदु ओ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये बिंदु ओ प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु का नाम बिंदु ओ होगा। अब ये पूछा गया है कि क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में है, तो इस बिंदु को यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो बिंदु है ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस के अंदर है, अंदर स्थित है, तो हम कहेंगे हाँ ये इसके अभ्यंतर में स्थित है। प्रश्न दो करते हैं, चतुर्भुज के एल एम एन का रफ चित्र खींचिए बताइए। तो बच्चों पहले के एल एम एन इस नाम का चतुर्भुज खींच लेते हैं। तो एक चतुर्भुज चार भुजाओं से हम बना लेते हैं, ये हमने चतुर्भुज बना लिया। अब बच्चों कहीं से भी हम शुरुआत करें, किसी भी शीर्ष से, यहां से शुरुआत करते हैं, इसका नाम के रख लिया हमने, फिर एल एम और एन, इन नामों को हम एक क्रम में रखेंगे। तो के एल एम एन ये हमने एक चतुर्भुज बना लिया, इसका एक रफ चित्र हमने बना लिया। भाग ए सम्मुख भुजाओं के दो युग्म। तो यहाँ पर जो भुजाएं हैं बच्चों, एक के एल भुजा है, एक एल एम भुजा है, एक एम एन भुजा है और एक एन के भुजा है। तो आमने सामने की भुजाओं को हम सम्मुख भुजा कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हम युग्म देख पा रहे हैं, तो एक तो युग्म एन के और एम एल का युग्म है, इसको हम सम्मुख भुजाओं के युग्म कहेंगे। दूसरा युग्म के एल और एन एम
इन दोनों भुजाओं का युग्म है। इनको हम सम्मुख भुजाओं के दो युग्म कहेंगे। तो सम्मुख भुजाओं के दो युग्म इनको हम लिख लेते हैं। एक युग्म होगा एन के और एम एल का, और दूसरा जो युग्म होगा ये होगा के एल और एन एम का। अब भाग भी करते हैं बच्चों, सम्मुख कोणों के दो युग्म। तो यहां पर कोण तो हम चार कोण देख पा रहे हैं इस चतुर्भुज में। एक कोण हमारा K है, एक कोण M है, एक कोण N है और एक कोण L है। जो आमने सामने के कोण है, ऐसे कोणों के युग्म को हम सम्मुख कोणों के युग्म कहते हैं। तो एक युग्म तो हम देख पा रहे हैं कि कोण K और कोण M, ये आमने सामने के कोण हैं। एक युग्म ये हमें प्राप्त हो गया सम्मुख कोणों का, और दूसरा युग्म ऐसा कोण N और कोण L का होगा। कोण N और कोण L आमने सामने के कोण है, यानी सम्मुख कोण है, तो ये युग्म सम्मुख कोणों का युग्म हुआ। भाग सी में बच्चों पूछा गया है आसन भुजाओं के दो युग्म। तो आसन भुजाएं यहाँ पर हम देख रहे हैं एन के और एन एम है। ये यहाँ पर ये आसन भुजाओं का युग्म बनता है, क्योंकि इनका जो शीर्ष बिंदु एन है ये आसन भुजाओं के लिए उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम के एन और एन एम लिखेंगे, ये एक युग्म हो गया आसन भुजाओं का। बच्चों ऐसा दूसरा युग्म आसन भुजाओं का युग्म के एल और एल एम होगा। भाग डी में पूछा गया है आसन कोणों के दो युग्म। बच्चों आसन भुजाओं से आसन कोणों का युग्म बनता है, और आसन भुजा एन एम है। तो आसन भुजा एन एम से दो कोण, कोण एन और कोण एन, कोण एन और कोण एम आसन कोण का एक युग्म होगा। और दूसरा आसन कोणों का युग्म कोण एल और कोण एम हो सकता है। ऐसे अन्य युग्म भी बन सकते हैं आसन कोणों के, जैसे कि कोण एन, कोण के, कोण के, कोण एल। प्रश्न तीन इसमें पूछा गया है खोज कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों एक गतिविधि करनी है। इसमें कहा गया है कि पट्टियां और उन्हें बांधने की वस्तुएं लेकर। तो यहाँ पर पट्टियां और उन्हें बांधने की वस्तुएं हमने लेनी है, और उनसे एक त्रिभुज बनाना है और एक चतुर्भुज बनाइए। तो पट्टियां और उन्हें बांधने की वस्तुएं लेकर उनसे एक त्रिभुज और चतुर्भुज बनाना है। ये गतिविधि हमने करनी है, ये बच्चों आपने खुद करनी होगी। त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर पट्टियों को अंदर की ओर दबाने का प्रयत्न कीजिए। तो आपने पट्टियों से उन्हें बांधने की वस्तुओं से लेकर कुछ इस तरह की आकृति, ये त्रिभुज की आकृति आप बना लोगे, और एक चतुर्भुज की आकृति आप बना लोगे। तो ये आकृति में हम देख पा रहे हैं एक त्रिभुज बनाया गया है और एक चतुर्भुज बनाया गया है। त्रिभुज ABC आपने बना लिया, और चतुर्भुज PQRS आपने पट्टियों और उन्हें बांधने की वस्तुओं को लेकर इस तरह की आकृति बना ली, एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज की आकृति। अब इनके जो शीर्ष हैं त्रिभुज के शीर्ष, जैसे ये शीर्ष A हो गया, शीर्ष B हो गया या शीर्ष C हो गया। तो यहाँ पर यानी कि शीर्ष A पर इसको दबाइए, शीर्ष A को हम अंदर दबाने की कोशिश करें। आपने ये गतिविधि करनी है, शीर्ष B को अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करिएगा और शीर्ष C को दबाने की कोशिश करिएगा। और यही काम हमने जो चतुर्भुज के शीर्ष है, शीर्ष P इसको दबाने की कोशिश करनी है अंदर की तरफ, इसी तरह से शीर्ष Q को और शीर्ष R को, शीर्ष S को हमने अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करनी है। तो यही कार्य चतुर्भुज के लिए भी कीजिए। हमने शीर्ष ABC इन तीनों शीर्षों को दबाने का प्रयत्न किया त्रिभुज में, और चतुर्भुज बनाने के बाद इनके शीर्ष को, शीर्ष PQRS को दबाने का प्रयत्न किया। तो हम ये परिणाम पाएंगे कि त्रिभुज की आकृति में, त्रिभुज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये जो त्रिभुज होगा ये दृढ़ आकृति होगी। दृढ़ आकृति का मतलब ये स्थिर आकृति होगी। इनके शीर्षों को दबाने से इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम त्रिभुज को एक दृढ़ आकृति कह सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया,
तो त्रिभुज में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्या चतुर्भुज में कोई परिवर्तन हुआ? हाँ, चतुर्भुज में हम देखेंगे कि ये परिवर्तन आएगा। शीर्ष पी को दबाने से अंदर की तरफ ये चतुर्भुज दब जाएगा अंदर की तरफ। शीर्ष पी की ओर से दबाव बनाएंगे तो इसकी आकृति बिगड़ जाएगी। इसका मतलब ये आकृति स्थिर नहीं है, यह आकृति चतुर्भुज की आकृति दृढ़ आकृति नहीं है। त्रिभुज में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। चतुर्भुज में कोई परिवर्तन हुआ? हाँ हुआ। चतुर्भुज अंदर की तरफ दब गया, चतुर्भुज की आकृति बिगड़ गई। तो चतुर्भुज में परिवर्तन हुआ? हाँ हुआ। त्रिभुज में कोई परिवर्तन हुआ? त्रिभुज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या त्रिभुज एक दृढ़ आकृति है? तो हम बिल्कुल कहेंगे कि त्रिभुज एक दृढ़ आकृति है। अब बच्चों, आगे कहा गया है कि क्या कारण है कि विद्युत टावरों जैसी संरचनाओं में त्रिभुजीय आकारों का प्रयोग किया जाता है, चतुर्भुजीय आकारों का नहीं। ये बिल्कुल हमने ये देखा हुआ है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो हम बड़े बड़े टावर जैसी आकृति देखते हैं, जो कि जो विद्युतीय तारें होती हैं उनको एक टावर से दूसरे टावर तक ले जाती हैं। तो यहाँ पर विद्युतीय टावरों में हमने देखा है कि कुछ इस तरह की ये टावर होते हैं और ये आकृति कुछ हम देख पाते हैं कि त्रिभुज के आकृति यहाँ बनती है। तो बच्चों यही कारण होता है, क्योंकि त्रिभुज एक दृढ़ आकृति है और इस टावर पर क्योंकि तारें खींची जाती हैं, विद्युत की तारें, बड़ी बड़ी तारें, तो इन टावरों पर कोई इनका आकृति चे परिवर्तन ना हो, ये आकृति स्थिर रहे, दृढ़ रहे, इस वजह से इन आकृतियों में त्रिभुज जैसी आकृति का प्रयोग किया जाता है, चतुर्भुज जैसी आकृति का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि चतुर्भुज की आकृति दृढ़ आकृति नहीं होती, त्रिभुज की आकृति दृढ़ आकृति होती है। ये इस गतिविधि से भी हमने इस परिणाम को देखा। तो इस वजह से विद्युत टावरों जैसी संरचनाओं में त्रिभुजीय आकारों का प्रयोग किया जाता है, चतुर्भुजीय आकारों का प्रयोग नहीं किया जाता। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।